अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक है, खैरियत है? आप लोग का सुबह अच्छा हो। आज का दिन हमारे यहाँ तो वेदर बहुत ही अच्छा है। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है। आज मैं बहुत दिन के बाद ये फर्स्ट टाइम शायद मैं डाल रही हूँ अपने रेसिपी में, क्योंकि इतने दिन से मैं बनाई नहीं थी। ठीक है, तो ये है, देखिए ये पोई साग। आपके यहाँ क्या कहते हैं पता? हमारे यहाँ तो हम लोग ये पोई साग कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं? ये मेरा हाफ के जी है, इसको मैं अच्छा से धो दी हूँ, धो के कट करके। ये स्टेम खाने में बहुत मजा आता है, इसको डांठा हम लोग कहते हैं, लेकिन ये डांठा नहीं, ये स्टेम है पोई साग का। तो ये खाने में बहुत मजा लगता है, और चावल के साथ खाइए, माशाल्लाह बहुत मजा। तो ये मेरा हाफ के जी पोई साग है, इसको मैं अच्छा से वॉश, क्योंकि इसको जरा धोना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा मिट्टी लगा रहता है। अच्छा से इसको धो के वॉश कर ली है, उसको अलग करिए। और मैं बनाऊंगी प्रॉन, मतलब चिंगड़ी, हम लोग चिंगड़ी कहते हैं, आप लोग प्रॉन, झींगा, बहुत सी जगह में झींगा कहते हैं। तो इसको मैं, ये मेरा 250 ग्राम है, इसको भी मैं अच्छा से वॉश कर ली हूँ, धो ली हूँ, बनाऊंगी। आज लंच में बना रही हूँ, देखिए चावल में मेरा गैस पे चढ़ा हुआ है, यहाँ कढ़ाई में चढ़ा चुकी हूँ। इसी कढ़ाई में मैं पपीता की भाजी, ये मैं कर दी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी डाला है मैं, तो पपीता की भाजी ये मैं बनाई हूँ, ये देखिए बहुत, मुझे बहुत पसंद है इसकी। और मैं बनाऊंगी आज जो सालन बनाऊंगी, ये तो मस्टर्ड ऑयल से ही बनाऊंगी। तो ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है। तो ये सारे मसाले हैं, ये देखिए ये सारे मसाले हैं जो मैं यूज करने वाली हूँ। ये लाल मिर्च है, ये धनिया है, ये काली मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, देखिए ये मस्टर्ड ऑयल है थोड़ा सा, क्योंकि भाजी जो मैं बनाई हूँ पपीता, वो भी मस्टर्ड ऑयल से ही बनाई हूँ। तो थोड़ा सा मेरा तेल बचा हुआ था, ये देखिए तेल बचा हुआ है, इसी में मैं थोड़ा सा और तेल डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं बचा। ये देखिए 25 ग्राम है, तेल ज़्यादा नहीं लगता इसमें, कोई साग चिंगड़ी में तेल जो है कम लगता है। ये तेल जब तक गर्म हो रहा है, ये दो प्याज जिसका मैं पेस्ट बना के रखी हूँ, ये देखिए दो छोटा छोटा मीडियम साइज का प्याज था, इसको मैं पेस्ट कर दी हूँ। और ये सारे मसाले हैं, धनिया, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्च और नमक, ये सब एक स्पून करके, सब जितने मसाले हैं 1.5 चम्मच करके, और अदरक लहसुन का पेस्ट कर दूँगी। देखिए ये तेल मेरा गर्म हो रहा है, और ये मेरा चिंगड़ी जो प्रॉन जो है मेरा, ये 250 ग्राम है, इसको मैं साफ करके, मैंने साफ किया तो उसका, क्योंकि स्किन और सब कुछ निकाल देना पड़ता है, तो 200 ग्राम होगा लगभग, काफ़ी है। अब मेरा कोई साग जो है वो मेरा है हाफ के जी, और ये है स्पेशल कच्चू जो मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये कच्चू मेरा है 400 ग्राम है, अच्छा बड़े बड़े था, तो इसको भी मैं कट करके रखी हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे इसको कट करके रखी हूँ। तो इसको मैं, देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है, तो अब जो तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डालने वाली हूँ प्याज। प्याज मैं डाल चुकी हूँ, ये देखिए अच्छा से, देखिए इसको थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाएगा तब मैं सारे मसाले डालूंगी। इससे पहले तेल में मैं प्रॉन नहीं डाली हूँ, क्योंकि पोई साग में भी प्रॉन बहुत ज़्यादा ये मतलब सॉफ्ट हो जाएगा ऐसे, इसमें स्किन भी, क्योंकि मैं इसका स्किन निकाल चुकी हूँ, मुझे स्किन वाला पसंद नहीं है, तो स्किन निकाल दी हूँ बस। अब मैं ये जब मसाला भूनूंगी तब मैं डालूंगी। यहाँ मेरा चावल हो रहा है, ये देखिए यहाँ मेरा चावल हो रहा है, ये देखिए आज का लंच मेरा यही है, मुझे मेरा बहुत ही पसंद वाला लंच है, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, तो इसलिए आज बहुत सच में बहुत दिन के बाद मैं ये बना रही हूँ, बहुत दिन के बाद बना रही हूँ। ये मार्केट में मैं गई तो मुझे नज़र आया, तो मैं ले ली थी, काफ़ी दिन हो चुका था मैं खाए नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैं बहुत दिन के बाद ये बना रही हूँ। ये प्याज देखिए अच्छा से भुना गया है, अब ये सारे मसाले जो है सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, एक भर के, एक चम्मच बड़ा, मतलब छोटा चम्मच का 2 चम्मच, एक चम्मच का बड़ा चम्मच ये मैं दूंगी। इसको मैं अच्छा से भूनूंगी, और थोड़ा पानी डाल के इसको मसालों को भूनिएगा। पानी डाल के उसको भूनिएगा, जब ये भुना जाएगा उसके बाद से प्रॉन डालूंगी मैं। ये देखिए मेरा बहुत अच्छा सा मसाला भुना के, इसका कलर देखिए माशाल्लाह,
अब जो ये सारा प्रॉन जो है, ये प्रॉन मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सारा चिंगड़ी को मैं डाल दी, अब डाल के थोड़ा सा भूनूंगी मैं। चावल भी मेरा अच्छा से बॉईल हो रहा है। और इसके साथ ये जो कच्चू है मेरा, इसको भी डाल दूंगी मैं। मसाला का स्मेल बहुत अच्छा, बहुत मजे का आ रहा है। कच्चू चिंगड़ी भी आप से बना सकते हैं, अगर कोई सा ऐसे ही डाल के आप कच्चू चिंगड़ी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं भून लूं, उसके बाद से मैं ये पोई साग में डालूंगी। पहले थोड़ा सा भून लूं उसे। ये देखिए मैंने अच्छा से कच्चू और चिंगड़ी जो है भुना लिया। सब कलर देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। इसमें थोड़ा मसाला देना पड़ता है, थोड़ा मसाला कम, मतलब प्याज जो है क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे मैं हाफ के जी ली हूँ तो दो प्याज यूज की हूँ, मतलब 100 ग्राम का, 150 ग्राम ऐसे लगभग होगा। छोटा ही 100 ग्राम का दो नहीं था, एक छोटा था एक बड़ा था। अब ये पोई साग को मैं जो दो, इसको भी मसाले में डाल दूंगी। देखिए कढ़ाई में मैं इसको डाल दूंगी, जिसमें गहरा मान लिया, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको, तो साग जो है वो गल जाता, जल्दी से सड़ जाएगा। और ये स्टीम लगता है जो, ये मजा, इतना मजे का लगता है ना खाने में। आप लोग जो खाएंगे उसे तो पता जरूर होगा, और जो नहीं खाए होंगे वो जरूर बना के खाइएगा। बहुत मजे का होता है, बहुत मजे का, आप लोग प्लीज जरूर खाइएगा। देखिए मैं चावल कितना अच्छा से एकदम बबल्स हो रहा है। जरा सेक करनी है बाकी है। इसको आप सूखा ही, मतलब स्टीम राइस के साथ खाइएगा तो आपको बहुत मजा लगेगा। स्टीम राइस के साथ दाल इसके साथ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये दाल बहुत से आदमी खाते हैं दाल, लेकिन मुझे तो सूखा चावल और ये वाला सालन बहुत पसंद है। मुझे क्या, आपके मेरे आपके भाई जो है उन्हें भी पसंद है, उनका भी बहुत पसंद का है, आमिर को भी बहुत पसंद है, अदनान को। अदनान को प्रॉन नहीं खाएगा, क्योंकि उसे चिंगड़ी और मछली एकदम नहीं पसंद है, वो अलग कर करके चुन चुन के अलग कर देगा। कच्चू और साग जरूर खा लेगा। मुझे अभी से उसका स्मेल इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आस्ते आस्ते, थोड़ा सा आस्ते आस्ते करके, क्योंकि अभी भरा हुआ है ना कढ़ाई, तो इसलिए इसको टाइम लग रहा है मुझे। बस जगह थोड़ा सा नरम हो जाए, मतलब डाउन, देखिए कम ऐसे ही हो रहा, साग जो होता है वो बैठ जाता है भाप से। अब थोड़ा सा मैं पानी दे दूंगी, इसमें पानी का जरूरत नहीं है पड़ता है। थोड़ा सा ये चम्मच में जो मसाला है, जरा से पानी लगा, इसको फिर ढक दीजिएगा। 5 मिनट बाद इसको फिर खोलिएगा। ये देखिए साग जो है कितना पानी छोड़ता है, ये देखिए कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। मैं एक ज़रा से चम्मच धोई थी मसाला उसमें जो लगा हुआ था, देखिए कितना, इसलिए से पानी मत डालिएगा। इसको गैस को अब जो है थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि इसका स्टीम गलना बहुत ज़रूरी होता है। इसे गैस का फ्लेम को मैं स्लो कर दी हूँ। एक बार हिला दीजिएगा, नीचे ऊपर कर दीजिएगा। यही पानी से कच्चू भी आपका गल जाएगा। और देखिए साग देखिए कितना ज्यादा था, देखने में कितना ज्यादा लग रहा था मुझे। अब ये देखिए मसाला, इसमें मसाला ही से ये चावल जो होता है, इसका मसाला जो होता है, इसमें तेल ज्यादा नहीं लगता है। माशाल्लाह इसका खुशबू तो इतना अच्छा आ रहा है, मैं बता नहीं सक रही हूँ आपको, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत पसंद। एक तो काफी दिन के बाद मैं इसे बनाई हूँ, इसलिए और मुझे ज़्यादा ये लग रहा है। मैं वेट करी हुई खाना बन के उतरेगा, मैं कैसे खाऊंगी, लेकिन गर्म खाना मैं खाती नहीं हूँ, आपको पता है मैं थोड़ा ठंडा खाती हूँ। तो चावल मेरा हो गया, देखिए कितना अच्छे से बॉयल हो, अभी हो गया। मैं इसका भी गैस बंद कर दे रही हूँ, अब मैं चावल को जा रही हूँ
उसको पसाने के लिए, मतलब स्टीम उसके पानी सारा निकाल देने के लिए। अब थोड़ा सा मैं आस्ते कर दी ये, क्योंकि उसका स्टेम गलना है, ये जब गल जाएगा तो भी खाने में बहुत मज़ा लगता है। तो इसको इसको भी मैं स्लो कर दी हूँ, जब तक ये हो रहा है उसको मैं ढक दी हूँ और मैं जा रही हूँ चावल पसाने। देखिए मैं चावल पसा चुकी हूँ, उसको अब मैं इसको डाली हूँ स्टीम में, थोड़ा सा स्टीम हो जाए ये चावल। भी आ गया खाना खाने के लिए, उन लोगों का टाइम हो गया है, देखिए लोग खाना खाने के लिए आ चुका है। देखिए वेट कर रहा कि हमें चावल लोगों को कब डालें। ये देखिए अभी जैसे मैं चावल डालूंगी ये लोग सब आ जाएगा आस्ते आस्ते करके, खाने के लिए वेट कर रहा है। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ क्या हाल है सालन का मेरा। ये भी पानी काफी है, अभी सूखेगा पानी। और ये डांड, ये जो डंडी है इसे मैं देखती हूँ गला कि नहीं, अभी नहीं गला है, अभी गलेगा। और कच्चू इसमें टमाटर डालने का ज़रूरत नहीं है, इसमें टमाटर हम नहीं डालते, डालिए बस क्योंकि थोड़ा ऐसी खट्टी है, जो पोई साग होता है थोड़ा खट्टा मारता है खाने में, तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैं बढ़ा दे रही हूँ क्योंकि आस्ते कर दी, तो स्टीम गलना बहुत ज़रूरी, उसका जो स्टीम होता है वो गलना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर चावल हो रहा है, कि मेरा बहुत अच्छे से पूरा स्टीम हो गया है चावल में। ये देखिए तो मैं इसको गैस को बंद कर दे रही हूँ, चावल हो गया है, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब मैं अपना कबूतर लोगों को खाना दूंगी। वेट करते हैं लोग खाना खाने के लिए, वेट करते हैं लंच बन के हमारे बच्चे, वो भी सब बच्चे, क्योंकि मैं रोज़ उन लोगों को खाना देती हूँ, तो इसी के लिए जब तक के लिए स्टीम गल रहा है फिर आपसे मैं मिलती हूँ। देखिए मेरा चावल हो गया है और मेरा सालन का पानी भी सूख चुका है, ये चावल मैं देने जा रही हूँ अपने कबूतर लोग को देने जा रही हूँ। देखिए वो लोग अभी आएगा खाने के लिए, ये मैं खिड़की में रख देती हूँ। देखिए सब आना स्टार्ट, देखिए मेरा कबूतर सब आना स्टार्ट हो गया, ये देखिए देखिए खाना डाल चुकी है, अभी सारे कबूतर आएंगे आके खाएंगे। और मेरा सालन देखिए ये हो गया, मेरा चावल पहले से मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं खा के आपको दिखाऊंगी, इसीलिए अब चावल का पानी सूख चुका है, सॉरी सालन का पानी सूख चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए पानी दिन सूख गया है और ये भी डांठा भी जो है एकदम गल गया है, गल गया एकदम माशाल्लाह, ये देखिए एकदम गल चुका है। और कच्चू भी गल गया है माशाल्लाह, दोनों ही गल गया है, अब बहुत ही अच्छे का देखिए सारे मेरे कबूतर आ गए खाने के लिए। ये देखिए कि सब खाना खाना खाने के लिए आ गए, उन लोग को टाइम हो गया है ना, लेट हो गया था उन लोग के हिसाब से लेट हो गया, तो लोग खाना खाने। अब मैं इसको गैस का फ्लेम को बंद कर रही हूँ, मेरा गैस का फ्लेम को मैं बंद कर दी हूँ और मैं आपको ये खा के दिखाऊंगी, बहुत टेस्ट है क्योंकि मैं भी वेट की हूँ पकने का, आज मैं गर्म ही खा के आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा खाऊंगी ज़्यादा नहीं, बस टेस्ट करके आपको दिखाने वाली हूँ, आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगी कैसा होता है मज़े का। ये मैं थोड़ा सा चावल निकाल रही हूँ अपने लिए, मैं कबूतर को अपना खाना पहले दे देती हूँ, खाना खाने से पहले मैं पहले खाना उन लोगों को दे देती हूँ। और ये देखिए मैं चावल निकाल चुकी हूँ, देखिए माशाल्लाह सब आ गए। और ये निकाल रही हूँ डाठा, वाह मुझे रहा नहीं जा रहा इसलिए मैं खा के जल्दी से दिखा रही हूँ। और ये प्रॉन, इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत मजे का बहुत। ये देखिए ये मैं आपको खा के था, ये सूखे चावल के साथ देखिए लड़ाई कर रहे लोग खाना खाने के आगे, देखिए लोग लड़ाई कैसे कर रहे हैं।
एक दूसरे में लड़ाई करता है जैसे इंसान झगड़ा करते हैं वैसे ही। गरम है, सच्ची में बहुत ज्यादा गरम है, पर मैं खा क्या कोई बिस्मिल्लाह रहमान। माशाल्लाह उसका डंडी तो मैं बता नहीं सक रही, सच्ची बहुत मजे का हुआ है। इतना मजे का हुआ मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली मेरा फेवरेट है, मुझे आपको लगता होगा कि मेरा फेवरेट है इसलिए मैं बोल, लेकिन आप लोग खाइएगा। और ये डांठा जो होता है ना, वाह कच्चू पोसा का चिंगड़ी ये खाना एकदम बेस्ट। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी जरूर बना के खाइएगा और एंजॉय जरूर कीजिएगा। आप कमेंट्स करके जरूर बताइए आइएगा। ओके अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना अपना परवीन आपा को। ओके अल्लाह हाफिज।